दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करूंगा और आशा करूंगा कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरे को 10 बज चुकी है वीडियो बनाते बनाते और मैं लास्ट क्वेश्चन रह गया था, 11 आउट ऑफ 11 पे मैं आ गया हूँ। द टाइप्स ऑफ मीटिंग, तो मैं टाइप्स ऑफ मीटिंग कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं 2 मिनट आपसे कुछ बात कर लेता हूँ, केवल 2 मिनट है ना। पहली बात कि मैं सुबह अभी शाम को 6 बजे से मैं ट्राई कर रहा था कि आपके साथ ऑनलाइन सेशन से जुड़ सकूं, लेकिन हैवी रेनफॉल होने के कारण इंटरनेट बंद हो गया। मोबाइल इंटरनेट से मैं कोशिश कर रहा था बट वो स्ट्रीमिंग की क्वालिटी नहीं आ पा रही थी, जिस कारण से हम लाइव जाने की बार बार मैं कोशिश कर रहा था और वो फेल हो रहा था। अब जाके थोड़ा रेन बंद हुई है तो बट वापस से शुरू हो गई है, इसलिए हमारा जो BSNL देवता है, इंटरनेट है, वो बंद हो गए। तो हो सकता है कि अब हम थोड़ा स्विच कर जाएं क्योंकि ये प्रॉब्लम आई। आज मैंने वादा किया था आपके साथ लाइव आने का और मैंने कोशिश भी किया था और गलती से एक वीडियो अपलोड भी हुआ है, खैर उसको हमने डिलीट कर दिया। लेकिन एक काफ़ी 2-2.5 घंटे की मशक्कत हुई हमारी, लेकिन कितनी बार मैंने कोशिश करी लेकिन मैं फेल्ड हो गया। मैं आपके साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आज मैंने लाइव आने का वादा किया था लेकिन अपन लाइव नहीं आ पाए, समय कम है, वरना मैं और कोशिश करता, रात तक पूरी रात कोशिश करता, लेकिन कहीं भी न कभी तो आपके साथ लाइव जरूर आएंगे। थोड़ा सा हमारे नेटवर्किंग को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा अभी सर्वर डाउन था, फिर बीच में बैटरी शट डाउन हो गई, बहुत सारी, आज तो इन्वर्टर भी बैठ गया, आज मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसके लिए लेकर आया हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट का अपना कोर्स खत्म हो गया है, तो आप मुझे ये जरूर बताएं कि सर ये बिजनेस एनवायरमेंट का सब्जेक्ट आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा रहा बिजनेस एनवायरमेंट की जर्नी आपकी मेरे साथ, कैसी रही ऑपरेशनल रिसर्च मैनेजमेंट की, कैसी रही है ना। इसके अलावा अपन ने डिफरेंट सब्जेक्ट देखे हैं पर बिजनेस एनवायरमेंट एक अलग ही लेवल का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें बिजनेस एनवायरमेंट भी है, लॉ भी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े अपन ने, एग्रीमेंट भी पढ़े, और आज लास्ट टॉपिक इसका टाइप्स ऑफ मीटिंग देख रहे हैं। तो जल्दी से अपन शुरू कर देते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग क्योंकि समय कम है आपके पास और मेरे पास, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ मीटिंग, इसके बाद मुझे अपलोड भी करना है ये क्योंकि लाइव तो अब जा नहीं रहे। टाइप्स ऑफ मीटिंग के अंदर बेसिकली अपन अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, है ना, अपन अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। तो किन किन दोस्तों से मिलने जाते हैं, एक कॉलेज के होते हैं, एक स्कूल के होते हैं, एक मोहल्ले के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कंपनी होती है उसको गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। तो कंपनी किन से मिल सकती है, उसके शेयर होल्डर से मिल सकती है, बराबर, शेयर होल्डर से मिल सकती है कंपनी, उनके डायरेक्टर की मीटिंग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे, कंपनी एक्ट 2013 के लॉ बने हुए हैं कि कौन कब आपको शेयर होल्डर से मीटिंग करनी है, कब आपको आपके इन्वेस्टर से मीटिंग करनी है, कितने तरीके की। तो यही है टाइप्स ऑफ मीटिंग, कुछ इसमें बेसिकली कुछ इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बेसिक प्रोविजन से अपन सब देख लेते हैं इसके एक साथ सारे प्रोविजन। तो सबसे पहले 4 तरीके की मीटिंग यहाँ पे दी हुई है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो ये 4 तरीके की मीटिंग देखने से पहले मीटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, कंपनी मीटिंग का जो 1956 से बना हुआ था अपना कंपनी एक्ट 1956, अब 2013 इंप्लीमेंट हुआ, उसके अंदर 4 तरीके की मीटिंग दे रखी। पहला दे रखा है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग यानी कि जो डायरेक्टर्स लोग मिलते हैं आपस में, बोर्ड ऑफ मेंबर्स मिलते हैं, वो बोर्ड मीटिंग कहलाती है। मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स इसके अंदर इन्वेस्टर्स भी आ गए, आपके रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए और बिग म्यूचुअल फंड्स, एजेंसीज, ये सब आ गए, ठीक है। तीसरा, मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, यानी डिबेंचर्स, अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू कराए तो उनके मीटिंग। चौथा, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कंपनी के जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे कंपनी ने उधार में सामान लिया होता है, वो कंपनी के बेसिकली क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो कंपनी किन किन लोगों से मिल सकती है, जैसे एक लड़का मिस्टर पिंटू किन किन लोगों से मिल सकता है, उसके मोहल्ले वालों से, उसके कॉलेज वालों से, उसके फेसबुक फ्रेंड से, ट्विटर फ्रेंड से, सबसे मिल सकता है। तो इसी तरीके से कंपनी किन से मिल सकती है, सबसे पहले कंपनी की पहली मीटिंग होगी बोर्ड मेंबर्स की, ठीक है, दूसरी शेयर होल्डर के साथ, तीसरी डिबेंचर्स के साथ, और चौथी क्रेडिटर्स के साथ। इतनी बात समझ में आ गई, इन 4 लोगों से मिला जाता है। तो जो जो शेयर होल्डर्स हैं इनके साथ बार बार मिलना होता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली ऑनर्स तो यही होते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी के सर्वे सर्वा यही होते हैं। तो इनकी साल भर में एक बार मीटिंग होना फिक्स्ड है और फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने पहले इनकी मीटिंग करा दी जाती है। 21
21 दिन पहले नोटिस देना होता है। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, कोरम फुलफिल करना होता है, 5 मेंबर्स होने चाहिए, यानी 1/3 मेंबर्स होने चाहिए इस मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए। इस मीटिंग को नॉर्मली बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होनी चाहिए, 21 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है, 1/3 कोरम होना चाहिए, बस इतनी सी 3 बातें याद रखनी है, इसको बोलते हैं एजीएम। ठीक है, इसके अलावा एजीएम के अलावा अगर कोई हैजार्डस सिचुएशन आ जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है या कंपनी कुछ नया इनोवेशन करना चाहती है तब, या कुछ डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग होती है यानी कि लोन कुछ लेना चाहती है, नए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फर्ज है कि वो एक एजीएम इनवाइट करें, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका कोई रूल प्रोविजन नहीं है, ये आपकी सुविधा के अनुसार आप बुलाते हो। ठीक है, क्लियर है ये बात, दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब एक होती है स्टेटरी मीटिंग। स्टेटरी मीटिंग यानी कि एक वैधानिक मीटिंग, यानी कि ये आपको हर महीने करनी है मिनिमम शेयर होल्डर के साथ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैधानिक मीटिंग कब है? जैसे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस आता है, कोई केस फाइल हुआ होता है, ये भी इमरजेंसी केस में। लेकिन ये वैधानिक मीटिंग और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिफरेंस क्या है? यहां पर स्पेशल एजेंडा होता है, स्पेशल एजेंडा होता है। जब स्टेटरी मीटिंग होती है तब एजेंडा कुछ स्पेशल होता है, यूनिक होता है, जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही कुछ एक्स्ट्रा करने का। जैसे कि सपोज एक कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया गया, कंपनी का जैसे कि अभी किसमें केस फाइल, किसमें कंपनी का कब से बुरा हाल चल रहा है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं तो एयर एविएशन की कंपनी अपनी कौन सी है, स्पाइसजेट कंपनी का बहुत बुरा हाल चल रहा है। उसका क्या हो रहा है कि भैया कभी फ्लाइट कहीं जाना होता है, कहीं पहुंच जाती है, फ्लाइट में कभी खिड़की टूटी हुई मिल जाती है, कभी पैसेंजर्स को 1.5 किलोमीटर पहले एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं, ना कोई बस आती है, उनको पैदल पैदल कहां तक बाहर तक आना पड़ता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। तो जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाती है तब उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। लेकिन यदि गवर्नमेंट ने किसी ने केस कर दिया कि अब आपको 6 महीने तक का आपका 80% उड़ाने बंद कर दें, यानी अपने एविएशन मिनिस्ट्री उसके ऊपर बैंड लगा चुका है ना, उसका बेसिक अभी मेरे को क्लियर नहीं है कि वो इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, न्यूज में है कि बैंड लग चुका है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई वो नोटिफिकेशन अभी तक मेरे को मिला नहीं नेट पे। ठीक है, कि 80% उड़ाने उनकी डोमेस्टिक बंद करी जाती है, तो वो स्टेटरी मीटिंग होगी उस सिचुएशन में, यानी वैधानिक कोई मीटिंग होती है तो उसको स्टेटरी। ये 3 तरीके की समझ में आ गई। अब चौथी है क्लास मीटिंग। अब पर्टिकुलर जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स है ना, उनकी अगर कोई स्पेशल मीटिंग हो गई, यहां तो एनुअल जनरल मीटिंग में सबको बुला लिया जाता है। गुरु पिक्चर देखी होगी आपने, अक्षय, वो अक्षय कुमार तो नहीं है उसमें, कौन है, अरे उस हीरो का नाम हम भूल गए, क्या है, अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र हैं अभिषेक बच्चन जी, जी अभिषेक बच्चन जी गुरु पिक्चर के अंदर मीटिंग लेते हैं, एजीएम होती है वो, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि कंपनी की हालत बहुत खराब है, कंपनी अब कुछ दिवालिया होने पे आप हमारा साथ बनाए रखें, आप कंपनी के शेयर ना बेचें, क्योंकि शेयर बेचने से कंपनी की हालत गिर रही थी, तो उन्होंने एजीएम बुलाई होती है। बहुत बड़े लेवल पे एजीएम होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पीपल है जिनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है शेयर होल्डर परचेस करने के कारण, या ज्यादा है, जैसे कि किसी का शेयर, यदि किसी का शेयर 5% से ज्यादा होता है या 10% से ज्यादा है, तो हम उनको स्पेशल कैटेगरी में रख दिया हूँ शेयर होल्डर्स को, कोई म्यूचुअल फंड एजेंसीज हो गई, उनको क्या क्लास मीटिंग कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी फिर एग्जांपल देता हूँ, अभी जोमेटो ने जो खरीदा था ब्लिंकिट, ठीक है, जोमेटो साहब ने जो खरीदा था, तो उन्होंने कौन सी क्लास मीटिंग बुला के उसके अंदर बोल दिया कि हम ये काम करने वाले हैं, क्या क्लास मीटिंग बुलाई, यानी कि जो उनके स्पेशल वो थे कौन, शेयर होल्डर जिन्होंने बहुत ज्यादा शेयर्स ले रखे थे, लाइक म्यूचुअल फंड एजेंसीज, ठीक है, सारे के सारे म्यूचुअल फंड एजेंसीज और कोई फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको बुलाया और कहा कि हम ब्लिंकिट लेने वाले हैं, ये डूबती हुई कंपनी, लेकिन हमें लगता है कि हम इसको सुधार देंगे और ये हमारा आगे जाके ग्रोथ करेगी। तो जोमेटो का ये माइंडसेट था, ठीक है, बट उन्होंने किसको बताया, क्लास मीटिंग को। और इसके जब वो बाहर आएगा कि ये मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये बाद में आएगा, तब रिटेल इन्वेस्टर को पता चलेगा, अच्छा क्लास मीटिंग में आपने ये करा है, ये डिसीजन हुआ है,
वहां पे तो भैया जिस क्लास को लगा कि इसने डिसीजन गलत लिया वो वहीं पे शेयर काट लेगा। और फर्स्ट कौन जाता है? रिटेल इन्वेस्टर। एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर है, अरे पांच, मैं कह रहा हूँ 10 लाख के शेयर पड़े हैं आपके पास जोमेटो के, कोई काम के नहीं, क्योंकि आपको बुलाया ही नहीं गया उसकी कंपनी की मीटिंग के अंदर, वो कहलाती है क्लास मीटिंग। और सेबी का भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा शेयर मार्केट रेगुलेट करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि वो मीटिंग जो स्पेशल प्रोविजन के लिए बुला ली गई लेकिन उसमें सारे पीपल को शामिल किया गया। एनुअल जनरल मीटिंग ये गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, ये बुलानी ही पड़ती है, इसमें वोट दिए जाते हैं। यदि आपने एक भी शेयर खरीदा है तो आपके पास इसका मेल आएगा कंपनी का कि आप इसमें वोटिंग का राइट भी होता है। 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और साल में एक बार कराई जाती है और विशेष परिस्थितियों में 15 महीने के अंदर एक बार इसको कराना ऑब्लिगेशन होता है। स्टेटरी यानी कि वैधानिक, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब आपको बुलानी पड़ेगी। जजमेंट ने, जॉब जजमेंट ने पास कर दिया, एक लॉ पास कर दिया या केस फाइल के बाद आपको फैसला सुना दिया कि अब आपको एक मीटिंग बुलानी होगी और आपको कंपनी का डिसोल्यूशन के बारे में बताना होगा, वाइंडिंग अप के बारे में बताना होगा, अमालगमेशन के बारे में बताना होगा, या कोई ऐसी बात आ जाती है जो लीगल प्रोविजन से रिलेटेड है उसको बताना होता है, तब स्टेटरी मीटिंग बुलाई जाती है। आई होप आपको सारी मीटिंग क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, और याद कर लेते हैं। तो रिवीजन और याद के साथ में क्या है? पहला बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, डिबेंचर मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग। बोर्ड, डिबेंचर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, क्या आया? BDMC। तो यहाँ पे BCDM हो गया, देखो BCDM हो गया, बिल्कुल आपका ABCD बन गया। बस A नहीं है, A की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? M कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? BCDM बिल्कुल याद हो गया। अब आ जाइए, A इसका छूट गया था नीचे, तो यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग आ गया, यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ गया, और यहाँ पर क्लास मीटिंग आ गया, और यहाँ पर S आ गया। तो क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पर क्या बन गया? चलिए सा और ईसी दोनों याद रख लेना, है ना, कोई बनाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। स्टेटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखाना। केवल एक एक दो दो लाइन की डिटेल लिखनी है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। केवल एनुअल जनरल मीटिंग को थोड़ा सा ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लेना, इसके दो तीन ही प्रोविजन है। 21 दिन वाला, ठीक है, कब कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए, कोई कहता है 15 महीने में स्पेशल प्रोविजन में, वरना साल में एक बार हो जानी चाहिए, वरना फाइनेंशियल पीरियड खत्म होने से 6 महीने पहले एक बार ये हो जानी चाहिए, ठीक है। सबको बुलाया जाता है, मिनिमम कोरम इसका 1/3 है। केवल ये थोड़ी सी बातें याद कर लेना, थोड़ा सा लेट हो गया हूं, इसलिए माफी दे देना, और जरूर बता देना कि कैसा रहा बिजनेस एनवायरमेंट का आपका और मेरा साथ, क्या समझ में आया नहीं आया। और कल के पेपर के लिए बहुत 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 शुभेच्छाएं, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जल्द ये वीडियो अपलोड हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करिए। जय हिंद।